तो ज्योमेट्री का ये फर्स्ट चैप्टर, अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े, फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री। तो लाइन सेगमेंट, इसमें कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में तुम लोग को पूछ सकता है। तो क्या सब है? तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अभी ए और बी पॉइंट है, तो इसके बीच में भी तो ढेर सारा पॉइंट है। तो द यूनियन ऑफ पॉइंट ए और पॉइंट बी, अभी सेट थ्योरी में यूनियन पढ़ा ना, सबको मिला करके। तो द यूनियन ऑफ पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, रेखाखंड हिंदी में बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट, अब ये दो सेगमेंट है समझो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल, देन टू सेगमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, सर्वांग सम रेखाखंड। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, अब ये कोई एक सेगमेंट है और इधर ये मिड पॉइंट, जितना सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3, इधर भी 3, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। इफ ए एम बी, इसका मतलब होता है कॉलिनियर, तो इफ ए एम बी आर कॉलिनियर एंड सेगमेंट ए एम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, देन एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब कुछ वर्ड इसमें और आएगा कि कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, बिटवीननेस क्या होता है। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हुआ? 2 + 3 = 5। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर है और ये सी 3 सेंटीमीटर है, तो अभी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? अभी ये 2 और 3 = 5 नहीं होगा, 5 से कम हो जाएगा, तभी ये कॉलिनियर नहीं होगा। एक रेखीय कब होगा? अगर ये 2 + 3, टोटल कितना आया? 5, लेकिन ऐसे में 5 आएगा नहीं, ऐसे में क्या हो गया? कम हो जाएगा, ये 2 3 ये उससे कम हो जाएगा। इसके लिए कॉलिनियर कब कहलाएगा? जब ये दोनों को ऐड किए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो कौन पॉइंट आया कॉलिन बीच में? बी। बी क्या कहलाएगा? बिटवीन। अब एक वर्ड होता है प्लेन, समतल, किसको प्लेन कहेंगे? कोई भी ड्राइंग, समझो ये हम लोग का नोटबुक का पेज है, तो अगर कोई ट्रेंगल बनाते हैं तो कोई एक पेज पर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक प्लेन। ये क्या हुआ? दूसरा प्लेन। तो कोलिनियर शब्द एक रेखीय। अभी बोलो ए सी बी, अभी क्या लिखूं? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, क्या आएगा? तो कोलिनियर को कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे। इसको क्या कहेंगे? कि ए सी बी एक रेखीय है, कोलिनियर है, ए सी बी आर कोलिनियर। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं, उससे समझते हैं। तुम लोग नंबर लाइन जानते हो कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसको पॉइंट दे दो ए बी सी, इधर -1 -2, ये हो गया समझो डी, ये ई, तो इसको क्या बोलेंगे? अभी तक तुम लोग ये पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो, कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट का नाम हुआ ए और कोऑर्डिनेट हुआ 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 3, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, उसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, कितना? -1, ई का -2। अब बताओ, अगर पूछेगा कि ये कितना लंबा हुआ, कितना है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अगर मुझे एसी पूछेगा कितना होगा, तो क्या करो? बड़ा कोऑर्डिनेट कौन है? 3, और उसमें से 1 को माइनस कर दो, हो गया 3 - 1 = 2, तो बराबर आ गया। अगर समझो डी से बी पूछ रहा है तो कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन डी बी, तो देखो डी बी डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डी बी इज इक्वल टू, अब डी ये है, बी ये है, नंबर लाइन में जो राइट होता है वो बड़ा होता है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2।
टू और इधर कितना है वन, तो कितना डिस्टेंस हो गया थ्री। अब उसको मैथ्स में कैसे करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट टू है और उसमें से कभी भी क्या करो, जैसे ए सी का किए थे तो क्या किए थे, बड़े कोऑर्डिनेट थ्री में से वन को माइनस कर दिए टू, तो कभी भी वही तरीका होगा, बड़ा कोऑर्डिनेट कौन है टू, उसमें से माइनस कर दो डी का कोऑर्डिनेट, तो माइनस माइनस वन, तो टू ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थ्री, तो देखो ये हो गया थ्री। तो क्या तरीका है डिस्टेंस निकालने का, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। ओके, तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज में, खाली यही खेल है। पहला 1.1, ये तुमको नंबर लाइन दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन बी ई, तो बी कहाँ है ये, ई कहाँ है ये, तो राइट में कौन है ई, तो 5, जो राइट में होता है नंबर लाइन में वो बड़ा। अगर तुमको पूछे माइनस टू माइनस वन में कौन बड़ा होगा, तो माइनस वन बड़ा होगा, वन और टू में बोलेगा कि बड़ा कौन होगा, तो टू बड़ा होगा, जो राइट में रहे वो बड़ा। तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, बी ई, तो ई का कोऑर्डिनेट 5, बी का कोऑर्डिनेट 2, देखो 5 माइनस 2 3, डिस्टेंस बिटवीन क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए, तो देखो ये जे है माइनस 2, ए कहाँ है 1, अब माइनस 2 और 1 में कौन बड़ा, 1 बड़ा, तो 1 माइनस, चूंकि वो माइनस है तो 1 माइनस तो होगा ही और वो माइनस 2 है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिए, तो 1 माइनस माइनस 2 1 प्लस 2 3, तो देखो जे से ए के बीच में 3 आया। डिस्टेंस बिटवीन पी सी, पी सी, पी किधर है ये माइनस 4, सी कितना है 3, 3 बड़ा है, 3 माइनस माइनस 4 कितना हो गया 3 प्लस 4। डिस्टेंस बिटवीन जे एच, ये है जे एच, तो कितना हो जाएगा, जे और एच में कौन बड़ा है, माइनस 1 बड़ा है, माइनस 2 छोटा, माइनस 1 माइनस और वो माइनस 2 है, तो क्या हो गया माइनस 1 और ये 2 माइनस क्या हो गया प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 अलग अलग साइन है, 2 में से 1 गया 1। डिस्टेंस बिटवीन ओ ई, ओ ये ओ है, ई कहाँ है ये, तो क्या है एक का कोऑर्डिनेट 5 है, ये ओ भी होता है और ये 0 भी होता है, तो ओ ई, ई का 5 है उसका 0 है, 5 माइनस 0 5। ओके, और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, मैं इसमें से 5 बना दिया, 3 तुम लोग बनाओगे, जैसे 5वां छोड़ दिया 7वां 8वां छोड़ दिया, सेम इसी स्टाइल से बनाने का, कुछ खुद सीखने का, कितना हल्का मैथ्स है। कोऑर्डिनेट ऑफ, अभी नंबर लाइन नहीं दिया है, अब बोला कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स और बी का कोऑर्डिनेट वाई है, जैसे ये सब क्या है 1 2 3 4 5 क्या है कोऑर्डिनेट है, तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स है, बी का कोऑर्डिनेट वाई है। अब पहला क्वेश्चन दिया कि अगर एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 7 है, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यही ए और बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो 7 माइनस 1 6, एक्स 6 वाई माइनस 2, अब ये दोनों में पहले यही बात करोगे कि बड़ा कौन है, अभी 6 बड़ा है चूंकि पॉजिटिव है, ये माइनस 2 छोटा है, तो 6 माइनस और वो क्या हो गया माइनस 2, ये 2 माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, एक्स माइनस 3 वाई 7 कौन बड़ा है, वाई 7 पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस 3, 7 प्लस 3 10, एक्स माइनस 4 वाई माइनस 5, अब ये दोनों में कौन बड़ा है माइनस 4 बड़ा है, तो माइनस 4 माइनस ये माइनस है माइनस 5 माइनस 4 और ये 2 माइनस क्या हो गया प्लस 5, तो माइनस 4 अलग अलग साइन है, 5 में से 4 गया 1, प्लस ज्यादा है तो 1, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो एक क्वेश्चन हो गया, सेकेंड हो गया, इसमें भी 2-3 छोड़ दिया हो, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया हो तो बनाने का। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ पॉइंट इज बिटवीन, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्ट्रेट थ्रू, अब कह रहा है कि अगर वो कॉलिनियर है या नहीं है, तो हम लोग को पी आर दिया है, पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, यानी 3 पॉइंट क्या सब हुआ पी क्यू आर, तो हम लोग को 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे तभी बताए थे कि ये 3 पॉइंट है समझो पी क्यू आर, तो छोटा कौन हुआ पी क्यू क्यू आर, बड़ा कौन हो जाएगा पी आर, अगर आर बीच में रहेगा तो कौन बड़ा हो जाएगा पी क्यू बराबर, तो पी आर प्लस आर क्यू,
कभी भी अब क्या बोलने का, ये मैथ्स टोटल बनता है, तुम इस क्वेश्चन को लेते कैसे हो, क्या कह रहा है, इसमें पहले खोजो दो छोटा कौन है, तो ये 7 और ये 3, तो पहले इसको ऐड करते हैं, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, तो कितना आया 7 + 3 = 10, तो क्या देख रहे हैं, पी क्यू के बराबर आया, देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू, क्या हुआ, ये दोनों का एड इसके बराबर आया, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, अब बीच में कौन आया, बड़ा कौन है, पी क्यू, तो मतलब क्या हुआ, पी क्यू बड़ा हो गया, तो बीच में कौन आया, आर आया, बात समझा कि नहीं समझा, जो बड़ा रहेगा वो पॉइंट इधर रहेगा, तो बीच में कौन छूट रहा है, आर, तो हम लोग ये लिखे, तो अब क्या बोलेंगे कि ये कॉलिनियर है, इट इज कॉलिनियर, एक रेखीय है, और बीच में कौन आया, तो पी, बीच में किसको लूं, आर को, क्यों, पी क्यू बड़ा है, पी क्यू 10 है, वो बड़ा है, हो गया खत्म, तो आर इज बिटवीन, आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू, हो गया, अब इसमें देखो क्या बोले थे कि बिटवीन कौन आएगा, तो क्या बोले थे, पहले दो छोटा को ऐड करो, तो देखो ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, तो पहले ये दोनों को ऐड करते हैं, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 + 4, कितना आया 10, अब उसके बराबर नहीं आया, तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी डज नॉट इक्वल डिस्टेंस आर एस, तो ये डिस्टेंस आर एस के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट कॉलिनियर, और जब कॉलिनियर नहीं हुआ तो बिटवीननेस भी नहीं आएगा, इट इज नॉट कॉलिनियर। थर्ड देखते हैं अब बोलो पहले कौन सा ऐड करूं, क्या बोले थे, जो दो छोटा रहे, कौन दो छोटा है, ये दोनों, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी 9 + 7 = 16, इसमें ये बराबर आ गया, तो क्या लिखूं, डिस्टेंस बिटवीन सी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन किसका ए बी, अब बताओ इसमें बीच में कौन आएगा, बड़ा कौन हुआ, ए बी, तो ए बी बड़ा हुआ, इसका मतलब सी बीच में आएगा, देयरफॉर क्या कॉलिनियर होगा, ए सी बी, अब क्या लिख दूं, सी इज बिटवीन ए एंड बी, देखो तो टाइमिंग दिखा रहा है, अभी क्या करेंगे, ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट, तो ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट, डिस्टेंस ए सी 10 दिया है और सी बी 8 दिया है, तो क्या करेंगे, देखो ए सी 10, तो इसको लिख दिए ए सी, फिर सी बी ये 8, तो कह रहा है ए बी कितना होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज होगा, एक ये हो सकता है कि ये ए सी ये सी बी, तो क्या होगा, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी 10 + 8 कितना आ गया 18, एक ऐसा हो सकता है कि ए सी पूरा बड़ा ले लिए ए सी और बी इधर ले लिए, तो देखो ए सी कितना 10 और बी सी कितना 8, अभी बी को बीच में ले लिए, तो अभी क्या होगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, उसमें क्या था बी उधर था, अभी बी को बीच में लिए, दो दो चांसेस होगा, दो दो पॉसिबिलिटीज होगा, तो अभी क्या हो गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी कितना है नहीं पता, यही जानना है, बी सी कितना है 8 और ए सी कितना है 10, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10, ये प्लस 8 इधर आया,
तो माइनस ए टू हो गया, तो दो आंसर क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटीज ए बी का, एक हो गया 18 और एक हो गया 2। बराबर, दो फिगर से समझ में गया कि कैसे हुआ दो पॉसिबिलिटीज। फिफ्थ में आते हैं, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर, तो एक्स वाई जेड जो कॉलिनियर बोले उसको ऐसे लिखने का, सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई 17 और वाई जेड 8, फाइंड एक्स जेड। तो अब इसको क्या प्लस करके लिखूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स जेड। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिया, इसमें बोल दिया है कि एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर, मतलब वाई बीच में है, इसमें दो चांस नहीं आया। उसमें ऐसा नहीं बोला था कि कॉलिनियर है ए बी सी, तो बी कभी बीच में गया, बी कभी साइड गया था। तो अब इसमें क्या हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है ये एक्स वाई, एक्स वाई है 17, वाई जेड कितना है 8, तो डिस्टेंस एक्स जेड कितना हो गया, डिस्टेंस एक्स जेड 17 प्लस 8 25, खत्म। अब ये तीन दिया है ड्राइंग, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर। अभी देखो क्या दिया है कॉलिनियर में, क्या दिया है ए बी सी, तो मतलब ए यहां बी बीच में सी, तब क्या होगा, ए बी डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बड़ा वाला आ गया ए सी। अब वैल्यू पुट कर दो जिसका जिसका दिया है, ए बी, ए बी पूछ रहा है तो डिस्टेंस ए बी, बी सी दिया हुआ है कितना 6.5, ए सी कितना दिया है 11, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5। अब ये तुम लोग को माइनस करने नहीं आएगा, जैसे डेसिमल देखा तो क्या करोगे, अगर किसी एक को डेसिमल नहीं दे तो डेसिमल डाल के जीरो डाल दो, तो ये 11.0 और ये 6.5, नहीं तो तुम लोग ऐसे माइनस करोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 11.0 कर दिए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 1 में से 0, 10, 10 में से 6 गया 4, कितना आया 4.5। सेकेंड क्वेश्चन आर एस टी, तो क्या हो जाएगा इसका स्केच, आर पहले, एस यहाँ और टी यहाँ, तो अब क्या ऐड होगा, आर एस प्लस एस टी, डिस्टेंस आर एस प्लस डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस आर टी। अब किसका किसका वैल्यू दिया है, एस टी, एस टी कितना दिया है 3, नहीं ये आर एस है, आर एस दिया है 2.5, एस टी 3.7 और डिस्टेंस आर टी, देयरफॉर डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर टी क्या करेंगे 2.5 प्लस 3.7, 7 प्लस 5 12 1 3 टू 6 6.2। ओके, और एक क्वेश्चन एक्स वाई जेड, क्या करूं एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। अब किसका किसका वैल्यू है, एक्स वाई रूट 7, वाई जेड पूछा है तो डिस्टेंस वाई जेड, एक्स जेड दिया है 3√7, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड इज इक्वल टू 3√7 माइनस रूट 7। अब इसको माइनस कैसे करोगे, जैसे 3x माइनस x करते हैं तो क्या होता है 2x, तो ये अलजेब्रा में रूट के बारे में इसको सर्च कहते हैं, तो ये पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में। तो 3√7 आप माइनस बोलने का 1√7, तो कितना हो गया 2√7। ओके, अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर तीन पॉइंट है और वो नॉन कॉलिनियर है, टेक्स्ट बुक नहीं है, अभी लॉकडाउन में मिल भी नहीं रहा है, तो इसके लिए पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ क्या है,
सेवंथ नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विच फिगर इज फॉर्म्ड, कौन सी आकृति बनेगी बाय थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तीन, ये क्या हुआ कॉलिनियर, लेकिन अगर थ्री नॉन कॉलिनियर है, तीनों एक सीधा नहीं है, सीधा में नहीं है, तो क्या बनेगा फिगर, बोलो क्या बनेगा, ट्रेंगल। तो क्या लिख देंगे आंसर, बस क्या लिखना है, ट्रेंगल, त्रिभुज, खत्म। ओके, तो अभी ध्यान रखने का, एक एक्सरसाइज समाप्त, फिर नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में।